मनाते मनाएंगे दिवाली मनाएंगे हाँ मनाएंगे दिवाली हाँ। दिवाली खुशी से मनाएंगे 22 तारीख को हाँ तो राम मंदिर को लेकर के खुशी है आप लोगों के यहाँ पे पूरे पूरे एकदम मचेगा एकदम हाहाकार एकदम पूरा भौकाल ही बना देंगे नहीं नहीं हाँ एकदम भौकाल मिलेगा एकदम पूरा दीपावली जलेगी पूरा एकदम पूरा गाँव पूरा दीपावली मना देंगे पूरा एकदम कनरखी गाँव के ये सोती पूर्वा गाँव है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल नदी के किनारे जो बसने वाले घर हैं जो रहने वाले लोग हैं अगर एक तरीके से देखा जाए तो भयानक जो ठंड है इस नदी के किनारे के लोग कैसे रहते हैं आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक पहुंचा है क्योंकि कहने की बातें और जमीनी हकीकत में फर्क होता है तो आज हम देखने का प्रयास पहुंचेंगे विधायक लोग पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए लेकिन इस भयानक ठंड में किस प्रकार से लोग रहते हैं क्या इनको इस वक्त कंबल की जरूरत है कि नहीं है बहुत सारे दान करते हैं लोग लेकिन इस ठंड के मौसम में समस्या में लोग कैसे रहते हैं। अच्छा यहाँ पर जब चुनाव होता है तब लोग आते हैं इससे पहले इससे बाद में आते हैं आप लोगों से मिलने की नहीं आते गाड़ी पर गाड़ी आते हैं गाड़ी पर क्या दादा कह रहे हो गाड़ी पर गाड़ी आती है वोट के लिए वोट मांगने के लिए गाड़ी पर गाड़ी आती है वोट हमको दे दो हाँ। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है ठंड में कोई आया कम्बल अम्बल वितरण कुछ नहीं हम नहीं आया कुछ नहीं हम लोग जो है तो हम लोग जो अपना कर रहे हैं अपना कमा खा रहे हैं बस कोई योजना कोई कुछ नहीं बस है एमएलए के घर जो है भारती के उसके घर पर से इधर कोई चीज नहीं जो है तो उधर ही कनरखी है। इस पार जो है ये सोती पूर्वा जो गांव है बिल्कुल घाघरा नदी के पास में पड़ता है और पानी तो भर जाता होगा काफी यहाँ पर ये सब पूरा पानी रहता है सिर्फ घर घर बचा रहता है। लोग कहाँ जाते हैं नाव पर रहते हैं सब पूरा देखा था लेकिन नया पर खाना बनाओ तो खाते हैं सब देखा था प्रधान नाव पे रख के खाना बनाते हैं हाँ नया पर खाना बना के खाते हैं नया पर सोते हैं कॉलोनी नहीं मिली हमारा नहीं मिली है मोहन प्रधान है। अच्छा ये बताओ कि कहते हैं कि जिनके पास झोपड़ी बनी है उनको कॉलोनी मिली है किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है कुछ नहीं हमारे तो झोपड़ी है हियो पर हुओ पर कहूँ नहीं मिला है हाँ। कहते हैं तुम्हारा नाम है झोपड़ पट्टी में रह रहे हैं हाँ। कितने सालों से आप लोग ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं जिनकी पूरा मर गई ना पूरी जिंदगी बीत जा रही हम लोग की जिंदगी बीतल जाता बेटा पतोहन का जिंदगी बीत जाए बाकी ऐसे निपट चल जाता है तुम सब तो आए हो हम सबके मदद में बाकी प्रधान लोग कब नहीं आए हैं कि चलिए कैसे मरत हैं कि जियत हैं मैं हम लोग पहुंचे इसलिए हैं कि आप लोगों से हाल चाल जाने क्योंकि आते हैं लोग कम्बल उम्बल वितरण करने चुनाव के समय आते हैं बहुत सारे वादे कर जाते हैं इस समय ठंड में जरूरत है लोगों को तब कोई नेता आता है यहाँ पर नेता लोग साहब लोग आते हैं वो भी आते हैं तुम दादा से कहे हम दादा के लगे गए पर आए रहे दादा के गोड़े पे गिर गए कि दादा हमके आवास दे दी हो मतलब रो रही नेताओं के आगे आवास की उनसे कहे हैं दादा से कि चरपहिया से आए रहे लो पूरा फोरी से या वो सब लोग तो हम कहे दादा हमके आवास नहीं मिला हमके मिली के चाहिए तो कहे तुम का मिली आवास अब कुछ नहीं मिला बस कह दिया कि आवास मिले हाँ दादा से कहे हैं दादा यहाँ कहे कि ना कहे हाँ नहीं गिन तिवारी से है ज्ञान तिवारी है ना हाँ उन्हीं से कहे उठ मांगने आए थे कि नहीं आए थे आए थे हैं तब वो कहे कि तुम कर देवे रहते रामपुर मथुरा में गुड्डू रात है ना उनसे कहे हैं वोट मांगे कहीं हमका आवास दे दो और कुछ न दियो हमका हम भला ना पौनी तब बेटा पतोही तरह हम झोपड़ी में अपन जिंदगी निपटा अभी चुनाव है लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में और लोग आना शुरू कर देंगे आपके दरवाजे पर कि हमें वोट चाहिए हमें वोट चाहिए बहुत सारे नेता आएंगे लेकिन इस भयानक ठंड में क्या इन लोगों से कोई हाल जानने आया है किस प्रकार से यहाँ के बच्चे रहते हैं किस प्रकार से ये लोग रहते हैं यहाँ पे जरा दिखाइए कि किस हालत में छोटे छोटे मासूम बच्चे इस ठंड में रहते हैं। अच्छा आप लोग योगी मोदी की सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश है कि नहीं है हमको तो कुछ मिलता नहीं है पर खुश हैं खुश हैं देखिए सरकार योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार से लोग खुश हैं अब घाघरा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं फिर भी लेकिन इनको जो है जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं आखिर क्या कारण है क्या कारण है कि यहाँ पर कोई योजना नहीं पहुँच पाती अरे तब का कबूल कर हिसाब ना पौले हैं जैसा का कहल जाए का 10 किलो गला से जी जाई और तो सदी है राशन मिलता है हाँ बस और कुछ ना
कुछ नहीं। को यहाँ पे पानी भर जाता होगा कहीं पे गोड़ सड़ जाता और लड़का बच्चा खेले बिना कहीं जगह है उचित स्थान है कहीं नहीं हमारे को ना जगह खाली बाथरूम ना मिला है हमन के बाथरूम नहीं मिला है बाथरूम में नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला है नया पर बैठ के जाते पानी में टट्टी करे यहाँ पर देखिए कि एक भी शौचालय बना नजर नहीं आ रहा है किसी को नहीं मिला हम लोग का तो चल जाते हैं बहुरिया बैठे बहुरिया सर हम कोई के जाते हैं स्वच्छ भारत को बात करती है मोदी सरकार और कहती है कि बेटिया बहू जो है घर में शौच के लिए घर में शौचालय बनवा दिया जाता है लेकिन आज तक इस क्षेत्र में अगर देखा जाए स्वाति पूर्वा में तो एक भी शौचालय नहीं बना है लोगों को मिला ही नहीं है अब सास लोग तो चली जाएंगे लेकिन बहुएं जो आ रही है नई नवेली दुल्हन वो कहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नदी है पानी भर जाता है जब गाने आवत है यहाँ पर शौच के लिए महिलाएं खेत जाती हैं क्यों आप लोग सभी लोग शौचालय नहीं बना किसी के नहीं बना है नहीं बना है कॉलोनी मिली अच्छा कि नहीं कॉलोनी मिलल बाकी जमीन ना कहाँ बना ली नदी किनारे घर अच्छा हम लोग कॉलोनी मिली लेकिन आपके पास जगह नहीं है बनाने के लिए जगह नहीं यहाँ पर बनाएगी तो पानी भर जाएगा पानी भर जाएगा ओ माय गॉड ये समस्या देखने के लिए ही आए थे यहाँ पर और आज इस मोहल्ले में जो ये मोहल्ला अगर हम कहेंगे इसको बिल्कुल गांव क्षेत्र है ये और यहाँ पर शौचालय नहीं है क्यों सभी के घरों में नहीं है किसी तरफ कोई ना आज भी आप लोग खेत में जाने को सब लड़की पतो सभी लोग जाते हैं भैया सरकार कह रही है कि घर घर शौचालय बनवा दिया गया है वैसे ग्राम पंचायत में तो अलग से बनवाया गया यहाँ कोई ना बनल प्रधान लोग उसका बजट निकाल कर अपना घर बनवा लेते हैं 12,000 आता है लेकिन देते किसी को नहीं है अपना बनवा लेते हैं तुम लोग पढ़ाई करने जाते हो कि नहीं जाते अरे भागो ना पहले रुको क्या कारण ये सब बच्चे स्कूल नहीं जाती है हमारे एगो पोता है तो जाता है उसको यहाँ बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो है पढ़ाना जरूरी आप लोग समझते है कि नहीं लड़कियाँ सब घास छोलते हैं का करें लड़की पढ़े जाते ये लड़की जाती है सिर्फ पढ़ने हाँ और कोलो चले शादी वादी कर देते क्या हाँ यहाँ पर शादी हो जाता है पढ़ाना जरूरी नहीं है उतना पैसा रहे के तो पढ़ावा जा की जूता सरकार देखो खाना दे रही है स्कूलों में जूता दे रही है लड़का जात है सरकार स्वेटर दे रही है जूता बहुत सारी चीजें दे रही है सरकारी में जात है लड़का हमारे सरकारी में जाता है हमारे दो लड़का जरूरी है बच्चों को कि नहीं पढ़ाना है लड़का जात नहीं हाली हमारा लड़का तो सरकारी में दोनों पढ़ते है यहाँ पर देखिए कि शिक्षा को लेकर के भी बहुत ही पिछड़ा इलाका है और ये जो गांव है स्वाति पूर्वा क्यों दादा यहाँ के बच्चे सब पढ़ने वढ़ने कम जाते हैं यहाँ के बच्चे सब जुआ खेलते हैं जुआ खेलते हैं अरे जुआ मत खेलते काहे मना नहीं करते आप लोग कौन मना करेगा मना नहीं करते कि जुआ मत खेलिए सब गलत उसमें पैसा आता है ना इसके लिए ना माय गॉड यहाँ तो बहुत सारी चीजें जो है जानने को मिली है ठंड वंड अच्छा यहाँ ठंड वंड में कुछ नेता होता है आप लोगों को कम्बल उम्बल देने की नहीं नेता अभी कोई नहीं जाके देखिए अभी उधर सब बच्चे लोग खेल रहे हैं वो फूस है उधर इस नदी में अभी पानी नहीं है ना तो सूखा सूखा है तो सब लोग खेल इधर ही नदी में खेलते रहते हैं स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है स्कूल नहीं जाने का काम है अच्छा सरकार से आप लोग खुश है कि नहीं योगी मोदी की हम तो खुश है क्या क्या योजनाएं आप लोग तक पहुँचती योजना इधर के आता है कुछ नहीं आता है आता कुछ नहीं योजना कुछ नहीं लेकिन खुश हैं आप लोग फिर भी हम खुश हैं अच्छा इस वक्त अभी देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के काफी चर्चा हो रही है वही अच्छा काम हुआ है ना अच्छा काम हुआ है राम मंदिर को लेकर के जो कार्य हो रहा अभी 22 तारीख को पता है क्या होने वाला है उद्घाटन है दिवाली वाली मनाएंगे आप दिवाली तो एक बार और मनाएंगे दिवाली मनाएंगे मनाएंगे दिवाली खुशी से मनाएंगे 22 तारीख को हाँ तो राम मंदिर को लेकर के खुशी है आप लोगों में सब खुशी है बहुत खुशी है क्यों दादा बहुत खुशी है ना राम मंदिर को लेकर के दादा कितने खुश हैं आप लोग पूरा पब्लिक हाँ पूरा हिंदू भाई क्या है राम मंदिर जो है अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अभी कार्यक्रम है पूरे विश्व से लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो आप लोग भी 22 तारीख को खुशियाँ मनाएंगे यहाँ पे पूरे एकदम मचेगा एकदम हाहाकार एकदम पूरा भौकाली बना देंगे नहीं नहीं हाँ एकदम भौकाल बनेगा एकदम पूरा दीपावली जलेगी पूरा एकदम पूरा गांव पूरा दीपावली मना देंगे पूरा एकदम दीपावली यहाँ पे देखिए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में और राम मंदिर को लेकर के गांव क्षेत्र में भी बहुत सारी जो है खुशियां का माहौल आएंगे लोगों